हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आईपैड में पिक्चर इन पिक्चर मोड क्या होता है उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप आईपैड का लेटेस्ट मॉडल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईपैड प्रो, आईपैड मिनी 4, आईपैड मिनी 2, आईपैड एयर 2, तो आपको पता ही होगा कि उसके अंदर मल्टीटास्किंग फीचर सपोर्टेड है। और मल्टीटास्किंग में एक फीचर है पिक्चर इन पिक्चर। तो एग्जैक्टली ये पिक्चर इन पिक्चर होता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं या तो फिर सफारी ब्राउज़र क्रोम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसमें से वेबसाइट में कोई वीडियो है, तो अगर आप वो वीडियो प्ले करते हैं, तो अगर आपकी जो एप्लीकेशन है सफारी ब्राउज़र क्रोम, वो दोनों में सपोर्ट तो है ही, तो अगर उसमें पिक्चर इन पिक्चर का सपोर्ट है, तो जो आप वेब पेज के अंदर जो वीडियो प्ले करते हैं उसे उसमें से स्वैप आउट कर सकते हैं। यानी जैसे ही आप उसमें एक आइकॉन होता है वीडियो को आउट करने के लिए, तो जैसे ही आप उसे टैप करेंगे तो वीडियो जो है वो पेज में से निकल के आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और आप उस स्क्रीन के कोई भी कॉर्नर में उसे रख के साइड में प्ले कर सकते हैं और साथ में दूसरी एप्लीकेशन पैरेलली यूज़ कर सकते हैं। यानी जो वीडियो है वो आपके डिवाइस आईपैड की स्क्रीन के टॉप पे रहेगा, टॉप लेयर पे रहेगा, और उसके नीचे और कोई एप्लीकेशन है वो यूज़ में होती रहेगी। यानी आप पैरेलली वीडियो भी प्ले कर सकते हैं और साथ में दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई नया आईपैड लेने की सोच रहे हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि जो भी लेटेस्ट मॉडल है उसे परचेज करिए। पुराना मॉडल जैसे कि आईपैड रेटिना 4, आईपैड 2 वगैरह 3, वो मॉडल के अंदर ये सपोर्ट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत ही आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।